रोज की तरह बैकुंठ लोक के द्वार पे खड़े अपने प्रभु की सेवा कर रहे थे कि अचानक वहाँ परम पिता ब्रह्मा जी के चार पुत्र ऋषि सनक, ऋषि सनादना, ऋषि सनातन और ऋषि सनत कुमार पहुंचे। हे ऋषिगण, आपके यहाँ आने का उद्देश्य बताइए। हमारे यहाँ आने का उद्देश्य प्रभु के दर्शन के अतिरिक्त और क्या हो सकता है द्वारपालो? क्षमा करिए ऋषिगण, आप अभी उनसे मिल सकते हैं। नहीं मिल सकते द्वारपाल, हमारे प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो द्वारपाल? ईश्वर और विश्राम, ईश्वर कभी विश्राम नहीं करते। अगर ईश्वर विश्राम करने लगे तो सृष्टि का सारा काम काज ठप हो जाएगा, इसलिए तुम हमें जाने दो। बड़े विचित्र प्राणी हैं आप, एक बार आपसे कह दिया कि अभी आप प्रभु से नहीं मिल सकते तो वापस लौट क्यों नहीं जाते? हे द्वारपालों, हम आपसे विनती करते हैं कि हमें अपने लक्ष्मी नारायण के दर्शन के लिए भीतर जाने दें। हम बहुत दूर से उनके दर्शन के लिए आए हैं। एक बार कह दिया कि अभी आप उनके दर्शन के लिए नहीं जा सकते तो फिर हद क्यों कर रहे हैं? हे द्वारपालों, कभी भी अपने पद का अहंकार और घमंड नहीं करना चाहिए, भले ही वह पद कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। तुम दोनों श्री हरि विष्णु जी के द्वारपाल होने के अहंकार में हमें अपने प्रभु से मिलने से रोका। अब तुम दोनों को इसका दंड अवश्य मिलेगा। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ और दोनों राक्षस बन जाओ। ये व्याख्याओं के द्वंद सुन भीतर से नारायण द्वार तक देखने आते और ऋषिगणों को वहाँ देख कहते, हे ऋषिवर, वैकुंठ लोक में आपका स्वागत है। हे प्रभु, इन ऋषियों ने हमें श्राप दे दिया, किंतु हम तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। प्रभु, कर्तव्य पालन का ये तो अर्थ नहीं कि आप मेरे और मेरे भक्तों के बीच में दीवार बन जाएं। आप दोनों से घोर अपमान हुआ है और इस अपमान का दंड तो मिलना ही था। मेरे दर्शनार्थी मेरे संपत्ति हैं और स्वयं मैं उनकी संपत्ति हूँ। हम दोनों का एक दूसरे पे समान अधिकार है। जब कोई भी ईश्वर और उनके भक्तों के बीच में आएगा तो किसी न किसी रूप में अवश्य ही दंड पाएगा। हे ऋषिगण, आपको वैकुंठ लोक में जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं खुद आपसे क्षमा मांगता हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शन पाते तो हम धन्य हो गए। हमारा तो जीवन भी सफल हो गया। हमारे जीवन का तो एक ही उद्देश्य है, आपकी उपासना और आराधना करना। हे प्रभु, इनसे कहिए कि ये हमें क्षमा कर दें, हमें इनके श्राप से मुक्ति दिलाइए। प्रभु विजय, मैं ये नहीं कर सकता। ऋषि के वचन से निकला हुआ श्राप धनुष के समान होते हैं, ना तो ये खंडित हो सकता है और ना ही वापस लिया जा सकता है। हे ऋषिवर, इन मूर्खों से ये भूल तो हुई है, मैं इनको क्षमा करने के लिए तो नहीं कह सकता, पर कृपया ये तो बताएं कि इन्हें ये दंड कब तक भोगना होगा? क्या इनके मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है? हे सदेश्वर, आपके द्वारपाल जया और विजय की मुक्ति का एक ही मार्ग है। इन्हें तीन बार पृथ्वी पे राक्षस योनि में जन्म देना होगा और आपसे बैर करनी होगी, और तीनों ही बार आपके हाथों से मृत्यु पानी होगी, तभी इनकी मुक्ति संभव है। पहले जन्म में ये दोनों हिरण्यक्षु और हिरण्यकश्यपु बनकर जन्मेंगे और आपके नरसिंह अवतार हाथों मृत्यु प्राप्त करेंगे। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आएंगे और आपके श्री राम अवतार द्वारा मृत्यु लोक में भेजे जाएंगे। तीसरे जन्म में ये दोनों कंस और शिशुपाल बनकर आएंगे और आपके श्री कृष्ण अवतार द्वारा मारे जाएंगे। बस इसके उपरांत इनकी मुक्ति हो जाएगी।
हे त्रिलोकनाथ, हे सर्वेश्वर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे ऋषिवर, आपका श्राप हमारे सिर माथे पर, हम आपके श्राप सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं और मुक्ति मार्ग की खोज में निकलते हैं। जया और विजय ने श्री विष्णु जी को प्रणाम करते हुए बैकुंठ लोक से अपनी मुक्ति मार्ग की ओर प्रस्थान किया। अब समय आ गया था श्री विष्णु जी के कृष्ण अवतार में प्रकट होने का। ये कहानी है द्वापर युग की। कंस नाम का एक बड़ा ही दुष्ट राजा हुआ करता था, जो कि महाराज उग्रसेना और रानी पद्मावती का पुत्र था और मथुरा का राजा भी। कंस की छोटी बहन भी थी जिनका नाम देवकी था। वह अपने बहन से बहुत प्रेम करता था। उसने बड़े ही आन शान से अपनी बहन देवकी का विवाह यदुवंश के राजकुमार राजा सूरसेन का पुत्र कुमार वसुदेव से संपन्न करवाया था। वह नव विवाहित जोड़े के साथ जा रहा था कि अचानक बिजली कड़कती है, मेघ खंडनाते हैं और एक आकाशवाणी होती है। कौन है जो मुझे इस तरह पुकार रहा है? कौन है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं? सामने आ जाए। हे परम मूर्ख कंस, ये क्रोध करने का समय नहीं, खेद प्रकट करने का समय है। तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के आठवें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका आठवां गर्भ तेरा कान होगा, तेरा कान होगा, तुझे मार डालेगा। मेरा काल, देवकी का अष्टम संतान मुझे मारेगा? देवता भी जिसके प्रकोप से डरते हैं, उस कंस को देवकी का अष्टम संतान मारेगा? असंभव। मैं अपने मृत्यु के मूल कारण को ही खत्म कर दूंगा। ना रहेगी देवकी और ना ही उसकी संतान। ये आप क्या कर रहे हैं बड़े भैया? ये आपकी छोटी बहन है, पुत्री समान। अभी आपने इसका कन्यादान किया है अपने हाथों से। हट जाओ वासुदेव, अगर तुम्हें तुम्हारे प्राण प्रिय हैं, तो अभी मेरे सामने से हट जाओ। किंतु अब देवकी मेरी पत्नी है, मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? देवकी का संतान ही मेरा मृत्यु बनेगी और मैं बचाओ मैं कुछ भी करूंगा। ठीक है भैया, तो आपको देवकी से भय नहीं, भय है उसके संतानों से। अगर ऐसा है तो आप देवकी को छोड़ दे। मैं सूरसेन पुत्र वसुदेव आपको ये वचन देता हूँ कि देवकी के हर एक संतान की जन्म लेते ही मैं खुद उसे आपको सौंप दूंगा। फिर आप चाहे तो उसका नाश कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागृह में बंदी बनाने का आदेश। अभी तो इस नन्हे से बालक ने जन्म लिया है। परंतु वसुदेव अपने हर वचन से बंधे थे। उन्होंने देवकी से कहा, तुम्हें तो पता है देवकी कि चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने वचन को नहीं तोड़ सकता।
इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। मैंने आपको वचन दिया था कि देवकी के प्रत्येक संतान को मैं आपके हवाले कर दूंगा, तो ये देवकी का प्रथम पुत्र है। अब आप इसके साथ जो करना चाहे वो कर सकते हैं। वसुदेव, हम तुम्हारे सत्य वचन से प्रसन्न हुए। तुम सच में वचनबद्ध हो, तुमने वचन का पालन किया है, इसीलिए तुम इस संतान को ले जाओ, वापस ले जाओ इसे। अष्टवाणी ने तो हमें आठवां संतान के भय की बात की थी, ये तो प्रथम संतान है, हमें इससे कोई खतरा नहीं। हम इस नन्हे संतान की हत्या का भार नहीं लेंगे, तुम इसे वापस ले जाओ। परंतु याद रखना, जब तक अपना वचन मानते रहोगे तब तक हमारे दया के पात्र बने रहोगे, अन्यथा नहीं। युवराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ कहूं। कहो, हम हमेशा तुम्हारी बात बड़ी आदर से सुनते आए हैं। स्वामी, ये जो आपने उस संतान को छोड़ दिया, ये ठीक नहीं किया। क्यों? हमें इससे कोई भय नहीं, हमारा शत्रु तो देवकी का अष्टवी संतान है, फिर हम एक निरीह बालक की हत्या का पाप अपने सर क्यों उठाएं? युवराज, इन पांचों उंगलियों में से पहला कौन और पांचवा कौन, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप गिनती किस ओर से आरंभ करते हैं। इस पहली और आठवीं संतान के माया जाल से निकल जाइए। आकाशवाणी के बातों पे गौर कीजिए। देवकी के हर एक संतान को मार दीजिए, फिर ना बचेगी पहली और ना आठवीं, अन्यथा आप छले जाएंगे। तुम ठीक कहते हो, हम किसी से भी अपना चाल होने नहीं देंगे। अब देवकी की कोई संतान जीवित नहीं रहेगी। ऐसे एक एक करके वसुदेव ने अपने छह संतानों को कंस को सौंप दिया और निष्ठुर कंस ने उन छह नन्हे बालकों को मार दिया। देवकी का सातवां संतान जब गर्भ में था तो उसी समय श्री विष्णु जी ने देवी योग माया को स्मरण किया। प्रणाम प्रभु, आपने हमें याद किया। देवी योग माया, अब तुम मथुरा जाओ, वहां कारागार में देवकी और वासुदेव बंदी हैं। इस समय मेरा वो अंश जिसे शेष कहते हैं वो देवकी के गर्भ में है। उस शेष को देवकी के गर्भ से हटाकर गोकुल में वासुदेव की पहली पत्नी देवी रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दो। श्री हरि विष्णु जी के आदेश अनुसार देवी योग माया ने देवकी के गर्भ से संतान को निकालकर गोकुल में वसुदेव की पहली पत्नी देवी रोहिणी के घर में डाल दिया, जो कि आगे चलकर बलराम कहलाए। ये बात पूरे मथुरा में फैल गई कि देवकी का गर्भपात हो गया और संतान ना रहा। लोग तो तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ कहते कि देवकी का ये सातवां गर्भ था जो नष्ट हो गया, तो कुछ सोचते कि आने वाला संतान सातवां या आठवां कहलाएगा। क्या कंस का समय सचमुच में निकट है? अंततः वो समय आ ही गया जिसका पूरी सृष्टि को इंतजार था। वहीं दूसरी ओर वैकुंठनाथ श्री विष्णु जी ने देवी योग माया को याद किया। हे जगदीश्वर, क्या आज्ञा है? देवी योग माया, अब धरती पर तुम्हारे प्रकट होने का समय आ गया है। मेरे जन्म का समय या फिर आपके जन्म का? स्वामी, हम दोनों को एक साथ धरती पर प्रकट होना है,
हम अपने समस्त कलाओं सहित देवकी के पुत्र बने और तुम नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तत्पश्चात परिस्थिति अनुसार हम दोनों अपने अपने माता पिता के पास चले जाएंगे, तो एक प्रकार से तुम हमारी बहन कहलाओ। हमारे वहां भाग्य प्रभु कि आप हमें अपने बहन कहलाने का गौरव प्रदान कर रहे हैं। देवी योग माया, जब तुम धरती पे जाकर अंतर्ध्यान हो जाओगी तो पृथ्वी पर मनुष्य तुम्हें भिन्न भिन्न नामों से पूजा करेंगे, तुम्हारी स्थापना करेंगे। आगे चलकर दीदी योग माया उनके बहन कहलाई, जिन्हें हम आज के युग में देवी सुभद्रा के भी नाम से जानते हैं। श्री विष्णु के अवतार कृष्ण जी ने माता देवकी के गर्भ में आठवें संतान के रूप में गर्भ धारण कर लिया और दीदी योग माया ने यशोदा के गर्भ में। महाराज की जय हो। हे युवराज, देवकी का आठवां संतान अब उसके गर्भ में है, वह किसी भी वक्त जन्म ले सकता है। यह सुन कंस घबरा उठा। उसने कारागर के चारों तरफ और दुगनी सैनिक तैनात कर दी और हर वक्त देवकी पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया। अब मुझे और सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये आठवां संतान है, ये अत्यंत ही मायावी होगा। पता नहीं कैसी लीलाएं रचेगा। हो सकता है वो छल से 9 महीने का भी इंतजार ना करे, क्या पता उसके पहले ही जन्म ले ले। इसीलिए हमें हर पल की सूचना मिलनी चाहिए। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। अब वो खुशी की घड़ी आ गई। अंततः श्री कृष्ण का जन्म हो गया। जन्म होते ही देवी योग माया ने वसुदेव को गहरी नींद से उठाया और उनसे कहा, उठो वसुदेव, जागो। कंस के आने से पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। परंतु मासी, मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथों में तो बेड़िया पड़े और चारों तरफ से कंस के पहरेदार खड़े हैं। तुम स्वतंत्र हो जाओगे वसुदेव, अब तुम पर कोई बंधन नहीं होगा। अपने पुत्र को लेकर शीघ्र यहाँ से चले जाओ और गोकुल में नंद के घर देवी यशोदा के पास इसे रखा। वहाँ अभी अभी यशोदा ने एक बालिका को जन्म दिया है, उसे यहाँ ले आओ। अचानक से तेज आंधी चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और खूब जोरों से बारिश भी होने लगी। कंस के सारे पहरेदार देखते ही देखते गहरी निद्रा में चले गए। कारागृह के दरवाजे तक अपने आप खुल गए। वसुदेव ने उस नन्हे से बालक को उठाया और गोकुल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में इतनी तेज बारिश में जहाँ यमुना का पानी उफान मचा रहा था, वही हमारे कृष्ण कन्हैया अपने नन्हे और प्यारे मुस्कान से पूरे संसार को मोह रहे थे। धन्य है तेरी नीला कान्हा, धन्य है पूरा संसार। वसुदेव ने उस छोटे से बालक को टोकरी में भरकर गोकुल पहुंचते हैं और वहां जाकर माता यशोदा के पास इन्हें सुला देते हैं और देवी के आदेश अनुसार माता यशोदा की पुत्री को अपने साथ मथुरा ले आते हैं। थोड़े समय बाद जब कंस को पता चलता है कि देवकी का आठवां संतान एक पुत्री है, तो वो यकीन ही नहीं कर पाता। उसे लगता है कि किसी ने उसके साथ अवश्य ही कोई छल किया होगा और वो गुस्से में कारागृह की ओर बढ़ता है। देवकी, क्या ये सत्य है कि ये एक लड़की है? हाँ भैया, ये सत्य है, ये कन्या ही है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? आकाशवाणी झूठ कैसे बोल सकती है? अवश्य ही लड़का हुआ होगा। कहाँ छुपा दिया है तुमने? किससे अतला बतला की है तुमने? बताओ वसुदेव, तुम तो सत्यवादी हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा पुत्र कहाँ है?
भैया मैं तो गहरी निद्रा में था, मुझे तो इसका जन्म का भी बोध नहीं हुआ। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने इस पुत्री को ही यहाँ पाया। ओ, तो ये भी विष्णु की ही कोई चाल होगी। चाहे वो किसी भी रूप में आ जाए, वो मुझे नहीं मार सकता। मैं इस कन्या को नहीं छोड़ूंगा। देवकी, ये पुत्री को मुझे सौंप दे। मैं कहता हूँ छोड़ इसे देवकी, मैं नहीं जाने दे सकता इसे, ये मेरा दुश्मन है। कंस बड़े ही निष्ठुरता से उस कन्या को लेकर कारागृह से चला जाता है और देवकी और वसुदेव रोते बिलखते लाचार खड़े रहते हैं। कंस जैसे ही उसे लेकर मारने की कोशिश करता है, तभी अचानक से वह कन्या फिर रूप माया के रूप में कंस के सामने प्रकट होती है और कंस से कहती है कि रे मूर्ख, मुझे मार कर तुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुझे मारने वाला तो इस धरती पर जन्म ले चुका है, वही तेरा संहार करेगा। फिर चाल कर गया। विष्णु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू जहाँ कहीं भी हो मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। कृष्ण कन्हैया जय हो, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया जय हो, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया जन्म लिए कृष्ण कन्हैया, बजे भर दिल में बधैया जन्म लिए कृष्ण कन्हैया। वही दूसरी ओर गोकुल में नंद जी के घर श्री कृष्ण के जन्म से और उनके मंद मंद मुस्कान से झूम उठा पूरा गोकुल धाम और गोकुलवासी। इसी तरह हर साल श्री कृष्ण जी के जन्म को पूरा संसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के नाम से मनाता है। जय श्री कृष्ण कन्हैया की, जय कन्हैया लाल की, जय नंदलाला की, अरे जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।